Hello people, hi, my name is Lloyd Paul and I'm from Goa. I represent G-Clicks and Goenkar and Goa. And we're just going around on spreading awareness regarding the environment, regarding trees and plastic. And today we have a very famous personality from Bollywood, Mushtak sir. Mushtak sir, what would be your message to the people? Thank you very much. Namaskar, sabse pehle to sab mere Bharat vasiyon ko bahut bahut pyar. दोस्तों ये गोवा से यहाँ पे इतने दूर आए हुए हैं एनवायरनमेंट को लेकर वातावरण को लेकर के और मुझसे चाहते हैं कि मैं कुछ कहूँ तो मेरे प्रिय दर्शकों मैं तुमसे और सारे पूरे भारतवासियों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम ये जो प्लास्टिक का जो यूज़ हो रहा है उससे हमको हमारा वातावरण कितना दूषित हो रहा है और कितना ये हानिकारक है ये सभी जानते हैं और सरकार ने भी इस पर एक मुहिम चलाया हुआ है तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा इल्तजा करूँगा कि जितना हो सके मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ही 0% इस्तेमाल करना चाहिए उसका प्लास्टिक का बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए क्योंकि इससे हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हवा हो रहा है वातावरण हमारा दूषित हो रहा है हमारे बीचेस जो हैं इतने गंदे हो रहे हैं क्योंकि जो आप कुछ भी यूज़ कर करके उसको समुद्र में डालते हैं वो अंदर जाता है उसके बाद जो मछलियाँ जितने भी जानवर समुद्र के अंदर होते हैं उसको यूज़ करते हैं और वो बीमार होते हैं वो मर जाते हैं उसके बाद कभी कभी वही पूरा प्लास्टिक हमारा पूरा जो है उसको ज्वार भाटे में बाहर आ जाता है और पूरा बीचेस को उसको पूरा गंदा कर देता है उसके बाद फिर हमारे जो जानवर हैं उसको खाते हैं गाय खास करके तो ये इसकी वजह से हमको बहुत नुकसान होता है तो आप उसको प्लीज़ मैं कृपा करके आप उसको जो है प्लास्टिक को बिल्कुल यूज़ करके अगर आपको कुछ सामान लेने के लिए बाज़ार जाना है तो अपने घर से हो सके तो कपड़े की थैली लेकर जाएं या फिर दुकानदार से ये रिक्वेस्ट करें कि भाई वो आपको जो भी सामान दे रहा है वो कागज़ की थैली में दें क्योंकि कागज़ की थैली में उतना नुकसान नहीं होता ये जो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं उससे हमको बहुत नुकसान होता है हमारे जो ड्रेनेज जो नालियाँ हैं वो भर जाती हैं उससे और पानी हमारा जो निकासी नहीं हो पाता तो वो पानी रुक जाता है उससे हमारी गंदगी फैलती है और उस गंदगी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं तो मैं अब आप उससे ज़्यादा समझदार हैं और आप समझ सकते हैं कि प्लास्टिक से हमको कितना नुकसान हो रहा है हमारे पूरे वातावरण को कितना नुकसान हो रहा है तो प्लीज़ आप जितना हो सके आप प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए इसका उपयोग बिल्कुल मत कीजिए और पूरी उम्मीद के साथ कि आप इसका पालन करेंगे मैं आपको धन्यवाद कहूँगा और जय हिंद जय भारत Thank you so much.